हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे येस बैंक के बारे में। बैंक निफ्टी से पहले चेक करेंगे, फिर येस बैंक को चेक करेंगे, येस बैंक से जुड़ी हुई एक दो न्यूज़ के ऊपर बात करेंगे, और टेक्निकल्स किस टाइप के हैं, किस प्राइस के ऊपर लेना चाहिए उसकी बात करेंगे, क्योंकि जो मोमेंटम है वो उस हिसाब से नहीं है। अभी बिल्कुल बीच में है ये स्टॉक, तो कितना और नीचे ये आ सकता है और क्या इसके टारगेट्स बन सकते हैं नियर टर्म में और लॉन्ग टर्म में, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो पहले देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी जो है आज अभी जो लाइव मार्केट में है 35,187 के आसपास काम कर रहा है। 11:39 आप देख सकते हैं, तो 0.20% के आसपास की गिरावट के साथ। डे रेंज जो है 35,149 के आसपास की है, और हाई जो आज का बनाया है बैंक निफ्टी ने 35,680 के आसपास का बनाया है। वहाँ से डाउन होते हुए आपको नज़र आ रहा है। इसके बाद जैस बैंक की बात करते हैं, तो जैस बैंक आपको दिखाई देगा 15.65। इसको भी हम रिफ्रेश कर लेते हैं, 15.60, यानी बिल्कुल फ्लैट दिखाई दे रहा है। कल जो क्लोज हुआ था 15.60 के आसपास ही क्लोज हुआ था। उसके बाद देख सकते हैं आज ओपन होता है 15.60 पे, हाई 15.75, 15.55 का लो, और अभी फ्लैट 15.60 के ऊपर ही काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो जैसे हमने पहले भी देखा है, जैसे जैसे बैंक निफ्टी करेक्ट करता है तो ये भी जो शेयर है ज़्यादा करेक्ट करता हुआ नजर आता है। तो बैंक निफ्टी को अभी जैसे हमने रिफ्रेश किया है, तो आप देख सकते हैं 0.63% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, और 35,000 के आसपास ये अब साइकोलॉजिकल बैरियर के ऊपर खड़ा है बैंक निफ्टी। तो देख सकते हैं इस टाइप से आपको 15.55 जैसे मैंने बताया, जैसे जैसे बैंक निफ्टी नीचे जाता है येस बैंक भी उसके साथ साथ नीचे जाता है। और सेकंड है, जैसे बैंक निफ्टी तो रिकवर कर जाता है, पर येस बैंक जो है उसके साथ साथ रिकवर नहीं कर पाता है और ये उसी लेवल के ऊपर रह जाता है। तो एक रेंज में जरूर फंसा हुआ है, और डाउनसाइड क्या बनता है उसके ऊपर भी हम चेक करेंगे। उससे पहले देखते हैं येस बैंक जो है टारगेट जो दिया गया है, येस बैंक का टारगेट कट किया गया है, 14 रुपये का टारगेट दिया गया है, SBI का 470 का दिया गया है, बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस टाइप के टारगेट्स जो है निकल कर आ रहे हैं सुमित बागेरिया, तो आप देख सकते हैं चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से जो हाइलाइट्स की गई हैं कि 14 रुपये का जो प्राइस है इसके अंदर बिल्कुल आता हुआ दिखाई दे सकता है येस बैंक के अंदर। इसके बाद आप देखेंगे येस बैंक शेयर प्राइस अनंत राठी मेंटेन सेल रेटिंग विद टारगेट प्राइस ऑफ ₹14, तो इन्होंने भी जो है 14 रुपये के टारगेट प्राइस को ही रखा हुआ है। और सबका यही मानना है कि इसके अंदर जो NPA हैं, जो स्ट्रेस लोन है, वो जो है काफ़ी ज़्यादा है, और क्वालिटी जो है एसेट क्वालिटी जो है धीरे धीरे इंप्रूव होती हुई नजर आएगी, बट अभी के हिसाब से जो टारगेट प्राइस है वो 14 के दिए गए हैं। तो आज हम फंडामेंटल पे ना बात करके टेक्निकल्स पे इसलिए ही बात कर रहे हैं क्योंकि टेक्निकल इस टाइम ज़्यादा मैटर कर रहे हैं। फंडामेंटल डेली इसके अंदर कुछ ना कुछ न्यूज़ जरूर आती है। ARC से रिलेटेड न्यूज़ आई तब भी लगा कि शायद ये बढ़ेगा, उसे पहले इसे लार्ज कैप में इंक्लूड किया गया था AMFI की तरफ से January 1st week में, उसके बाद भी लगा था ये बढ़ेगा, बट ये 17 के लेवल को ही ब्रेक करता हुआ नीचे आया। रिजल्ट्स ने काफ़ी प्रेशर बनाया उसके ऊपर, जो प्रेशर था फंड रेजिंग ने बनाया, और उसके बाद जो है ब्रोकरेज हाउस के जो लोअर साइड के टारगेट्स निकल कर आए स्ट्रेस लोन की वजह से, वो इसके ऊपर और भी ज़्यादा प्रेशर बनाते हुए नज़र आए। तो एक साइकोलॉजिकल बैरियर था जो 17 रुपये का जो स्पॉट ले रहा था, वहाँ से इसने ब्रेक किया था 17 रुपये को। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने 17 रुपये को, ये बड़ी कैंडल जो है यहाँ पर इसने 17 रुपये के लेवल को ब्रेक किया, और इसके बाद यहां से नीचे आता हुआ ये नजर आया। उसके बाद अगेन ये 17 रुपये लेवल तक जरूर गया था, बट एक रेजिस्टेंस जो फेस कर रहा है 17.45 रुपये के आसपास का, उसको ये ब्रेक अभी नहीं कर पा रहा। एक शेप ये बनाता हुआ नीचे आ रहा है, जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसके अंदर वो थोड़ा सा इसे डाउन साइड ही दिखा सकते हैं, किस टाइप से ये डाउन साइड जा रहा है आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक अगर ट्रायंगल फॉर्म आप देखें, डिसेंडिंग ट्रायंगल इसके ऊपर बनता हुआ यहाँ पर आपको दिखाई देगा, आप देख सकते हैं इस टाइप से। अगर डेली चार्ट पे आप स्टडी करते हैं तो इस टाइप से आपको ये दिखाई देगा, और अगर नीचे का बेस देखें तो बेस आपको जो दिखाई देगा 14.90 रुपये के आसपास का बेस यहाँ पर दिखाई देगा ऑलमोस्ट यहाँ पर। तो ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल में स्टॉक जो चलता हुआ आपको नज़र आ रहा है, तो इस टाइप को ये आपको शेप यहाँ पर दिखाई दे रही है डिसेंडिंग ट्रायंगल की। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस किया, अगेन जो है स्टॉक इसी लाइन से नीचे आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया उसके साथ नीचे नीचे चलता हुआ ये आ रहा है, और इसके ऊपर यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। पर डिसेंडिंग ट्रायंगल का जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक शेप डिसेंडिंग ट्रायंगल की दिखाई देगी आपको, या आप इस शेप को भी देख सकते हैं जो डिसेंडिंग ट्रायंगल्स की हैं, तो आप गूगल भी कर सकते हो, इस टाइप की जो शेप्स हैं आपको काफ़ी जगह दिखाई देंगी। तो इसमें अगर ब्रेकआउट होता
होता है नीचे के सपोर्ट का, क्योंकि ऊपर का रेजिस्टेंस जब ब्रेक नहीं होता है तो नीचे का ब्रेकआउट इसके अंदर दिखाई देता है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आप खुद भी देख सकते हैं जो इज डिसेंडिंग ट्रायंगल बुलिश और बेरिश। असेंडिंग ट्रायंगल्स आर बुलिश फॉर्मेशन डेट एंटिसिपेट एंड अपसाइड ब्रेकआउट, डिसेंडिंग ट्रायंगल्स आर ए बेरिश फॉर्मेशन डेट एंटिसिपेट एंड डाउनसाइड ब्रेकआउट। तो सिस्टमेटिक जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स होते हैं वेयर प्राइस एक्शन ग्रोथ इंक्रीजिंगली नैरो मे बी फॉलोड बाय ब्रेकआउट टू इधर साइड अप और डाउन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है और एक नैरो रेंज इसकी होती जा रही है। यहाँ पर ये सपोर्ट ले सकता है, अगर बैंक निफ्टी में कुछ भी करेक्शन होती है तो ये स्टॉक जो है इस लेवल तक बिल्कुल आपको आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी में काफ़ी हाई लेवल्स बन चुके हैं। वहाँ से कुछ भी करेक्शन होती है तो बैंक जैस बैंक आपको पता है उसके साथ साथ नीचे आता है। तो यहाँ पर डिसेंडिंग ट्रायंगल एक बन रहा है, आपको सिर्फ अलर्ट करने की एक मैं बात कह रहा हूँ कि इसके ऊपर थोड़ा सा अलर्ट रहिए। जो डिसेंडिंग ट्रायंगल है एक वेरिश ब्रेकआउट नीचे का दे सकता है। पहला सपोर्ट जो है 15 रुपये और यहाँ पर जैसे इसने बनाया था 15 रुपये का, और दूसरा जो है 14.90 रुपये, यानी ये जो जोन है इसके ऊपर आपको बिल्कुल नज़र रखनी चाहिए। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है तो आपको ये नीचे जाता हुआ दिखाई देगा 13.70 रुपये तक भी। अगर ये ऊपर की साइड ब्रेकआउट देता है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ये फेस कर सकता है। जो रेजिस्टेंस हम इसके अंदर लगाएंगे वो है मूविंग एवरेज, आप खुद भी इसमें लगा के देख सकते हैं। सिंपल मूविंग एवरेज रहेगी 200 डेज की, तो इस टाइप से ये मूविंग एवरेज आपको दिखाई देगी। तो ये शेयर था, आप अगर इसे आवरली चार्ट के ऊपर इसे स्टडी करेंगे तो आपको इस टाइप से ये दिखाई देगा। और इसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये इसके ऊपर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इस पूरे एरिया के अंदर यहाँ पर इस 200 जो डीएम है उसके ऊपर फेस कर रहा था ये स्टॉक। और यहाँ पर इसने जब इसे ब्रेक किया ऊपर की साइड तो अच्छा इसने ऊपर का ब्रेकआउट दिया था। अगेन जो है स्टॉक एक 200 डीएमए से नीचे ही काम कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इसने ट्राई किया इसे ब्रेक करने का, अगेन यहाँ पर इसने ट्राई किया इसे ब्रेक करने का बट ब्रेक नहीं कर पाया, तो अब ये इसके साथ ही नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो इसका लेवल निकल कर आता है 200 डीएमए का वो आप देख सकते हैं यहाँ पर 16.63 रुपये का निकल कर आता है, जो कि इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऊपर के लेवल पे इस टाइम बना हुआ है। तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 16.63 रुपये का, और सेकंड अगर इसके ऊपर आप देखेंगे 70.45 रुपये का, जैसे हमने पहले भी बताया था कि 70.45 रुपये को इसे ब्रेक करना काफ़ी ज़रूरी है, उसके बाद इसके अंदर एक अच्छा मूवमेंट बनता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। अगर RSI की भी बात करें तो ये बात रही एक डिसेंडिंग ट्रायंगल की, आपको सिर्फ अलर्ट करना था कि अगर कोई फ्रेश बाइंग इसके अंदर कर रहा है या करना चाहता है तो इस टाइम नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा डाउन साइड ये बिल्कुल आएगा, कभी कोई करेक्शन आती है बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर तो ये बिल्कुल आपको एक बाइंग जोन के आसपास आता हुआ नजर आएगा, तो उसके पास ही करनी चाहिए। बाइंग जोन में क्या होता है कि रिस्क कम हो जाता है, रिवार्ड्स काफी अच्छे बन जाते हैं। सेकेंडली जो रेजिस्टेंस मैंने आपको दिखाया 200 डीएमए के ऊपर, तो ये स्टॉक बिल्कुल 200 डीएमए के ऊपर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जैसे आपने यहां पर भी देखा। तो ऊपर की साइड जो अभी जो है इसको ब्रेक करना इसके लिए जरूरी रहेगा, उसके बाद ही एक अच्छा मोमेंट दे सकता है। जब जब इसने 200 डे डीएमए के ऊपर क्लोजिंग दी है तो एक अच्छा मोमेंट दिया है, और जब जब ये नीचे आया है तो अच्छा इसने उसके बाद जो है करेक्शन दी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक अच्छी करेक्शन होते हुए नजर आ रही है। इसके बाद आप देखेंगे RSI को भी हम लगा के देखते हैं कि RSI किस टाइप से इसके अंदर काम कर रही है। तो यहाँ पर देखते हैं RSI, ये डेली चार्ट लगा रखा है और RSI आप देख सकते हैं। RSI में भी आप देखेंगे एक चीज़ जो नज़र करेंगे तो 37.7 के आसपास का RSI इस टाइम चल रहा है, जबकि आप देखेंगे कि जो स्टॉक है 22-23 के लेवल तक भी आता है, ये 24-25 तक देखिए पहले भी आया है RSI, उसके बाद ये बाउंस बैक करता है। तो आप देख सकते हैं 37 के आसपास ये अभी चल रहा है, तो नीचे आने का चांस अभी इसके और भी हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो जो RSI थी ऑलमोस्ट 26 के आसपास थी। अगर मैं इस लाइन को आपको दिखाऊं, अगर इसे थोड़ा सा एडिट करें हम और लगाएं इसे 24 के लेवल पे, तो आप देखेंगे कि आपको इस टाइप का एक चार्ट दिखाई देगा पूरा जोन। तो आप देखेंगे कि पहले भी जो स्टॉक है ऑलमोस्ट 24 के आसपास आता है और वहाँ से अच्छा बाउंस करता है। यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट 24-25 तक आया फिर बाउंस किया है, तो यहाँ पर देखिए पहले भी थोड़े दिन पहले भी इस लेवल तक आया था और उसके बाद बाउंस किया था, तो अभी इस लेवल से काफ़ी ऊपर ये चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर भी आपको एक करेक्शन होती हुई दिखाई दे सकती है, यहाँ से स्टॉक थोड़ा और नीचे आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो हमें एक बाइंग जोन के आसपास ही इसे खरीदना चाहिए और
लंबे टाइम तक इसके फंडामेंटल अच्छे होते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। जैसे ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट है, हर न्यूज जो है मीडिया में आती है इसकी, चाहे वो यूपीआई की ट्रांजेक्शन्स हो, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड बिजनेस हो, एनपीआई की रिकवरीज हो, कासा से रिलेटेड हो, तो फंडामेंटल धीरे धीरे स्ट्रांग होते हैं। अभी 3-4 क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं इनके और अच्छी रिकवरी कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में और फंडामेंटल मजबूत हो सकता है, पर नियर टर्म में इसके अंदर प्रेशर जरूर बना हुआ है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो जो ऑसिलेटर्स हैं, जो टेक्निकल बैकग्राउंड पर, 8 न्यूट्रल हैं, 2 बाय की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं और 1 सेल की तरफ कर रहा है। और मूविंग एवरेज देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग सेल बताई जा रही है कि अभी स्ट्रॉन्ग सेल इसे करना चाहिए, और 13 सेल है, 1 न्यूट्रल है और 1 बाय है। और अगर समरी देखें, दोनों को मिलाकर देखें, तो आप देखेंगे 26 इंडिकेटर्स ये हैं, 26 में से 14 सेल हैं, 9 न्यूट्रल हैं और 3 बाय की तरफ सिर्फ इंडिकेट कर रहे हैं, और बताया जा रहा है कि इसे अभी सेल ही करना चाहिए। थोड़ा सा नीचे ये बिल्कुल आ सकता है, डिसेंडिंग ट्रायंगल में ये चल रहा है। RSI भी अभी थोड़ी सी जिस लेवल पे ये काम करता है उससे ऊपर है, 37-38 के आसपास है, जबकि ये 24-25 तक आए तब इसके अंदर बाय कर सकते हैं। तो आप इन लेवल्स के ऊपर नजर रख सकते हैं। ऊपर जो रेजिस्टेंस, जैसे मैंने पहले भी बताया, एक 200 DMA का रेजिस्टेंस है, जब ये 200 DMA को क्रॉस करता है तो बिल्कुल ये एक अच्छा मोमेंटम आपको दे सकता है। 17.45 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, सेकंड रेजिस्टेंस जो है इसका 200 DMA का है। तो आप इन लेवल्स के ऊपर नजर रख सकते हैं, अच्छा पैसा ये बना के दे सकता है, बट पेशेंस रखनी होगी और लो लेवल के ऊपर इसे खरीदना होगा ताकि लो साइड का रिस्क इसके अंदर कम रहे। सेंटिमेंट्स काफी इसके अंदर वीक हैं और बैंक निफ्टी जब जब गिरता है ज्यादा गिरता है, जब बैंक निफ्टी चलता है तो ये एक कंसोलिडेशन मोड दिखाता हुआ नजर आता है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से इसे कंसीडर कर सकते हैं, बाय ऑन डिप के हिसाब से, इन बाइंग जोन्स में। थैंक यू, धन्यवाद।